पहाड़ों की रानी मसूरी को पर्यटन सीजन के लिए तैयार करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत मालरोड को खूबसूरत बनाए जाने को लेकर तारों के जाल से निजात दिलाने के लिए भी विद्युत की तारें अंडरग्राउंड की जा रही हैं। तो वहीं मॉल रोड को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है, जिसमें मॉल रोड अद्भुत और खूबसूरत लग सके। परंतु मॉल रोड में पर्यटकों के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए साइकिल रिक्शा संचालित किए जाते हैं, जिनकी हालत वर्तमान में बद से बदतर हो रखी है। साइकिल रिक्शा चालक द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान और अब उनकी हालत ठीक नहीं है। लॉकडाउन के दौरान उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, वहीं अब कुछ काम चला है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं उनके पास अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने तक का भी पैसा अब नहीं बचा है। ऐसे में उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो अपना रिक्शा आने वाले सीजन के लिए किस तरह तैयार करें। काम भी कमी है, नगर पालिका कराए या कुछ कराए, इसकी जो है तो इसकी हालत जो है सुधार जाएगी। अमूमन देखा जाता है कि पर्यटक जब भी आते हैं तो एक साफ और सुथरा और सजा हुआ रिक्शा लेना ही पसंद करते हैं, लेकिन इस समय सभी रिक्शा चालकों की हालत बद से बदतर है। ऐसे में रिक्शा चालकों ने सरकार से मदद की दरकार की है। वहीं स्थानीय विधायक और स्थानीय पालिका प्रशासन से उनके रिक्शा की मरम्मत के साथ उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से हम तो बहुत कंगाली में हालत थी, फिर टूरिस्टों को बैठाते हैं तो कोई ऐसे ही बोलते हैं भैया तुम्हारे रिक्शे अच्छे हैं, सरकार के द्वारा चलते हैं तो सरकार की कराना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि नगर पालिका के अंडर चलते हैं, वो लोग उनकी गाड़ी पे बाद में कोई करनी पड़ता है, करते नहीं, आज तक तो किया नहीं, पर शायद आप कर सकते हैं। अगर तो ऐसे साल भर से कोरोना काल में लोग परेशान हैं, बेरोजगार है, अभी पैसे भी नहीं रिजर्व जो कि हम अपने रिक्शा ठीक कर सकें। रोजगार अब शुरू हो रहा है, साल भर से बैठ रहे हैं, कहीं से कोई सहायता, अगर हमारे विधायक या हमारी सरकार हमारी हेल्प करे, क्योंकि माल रोड में सुंदर पर्यटक घूमता है और सुंदरता ही चाहिए मसूरी में। और ये जो रिक्शों की हालत है, अच्छी हिसाब हो जाए हमारे रिक्शों का, ताकि टूरिस्ट को ये लगे कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, हम खुश होके घूमें और शहर में बड़े खुश होकर आते हैं। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।